ये बात सभी जानते हैं। जियोपॉलिटिक्स में ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। जहाँ ज़्यादा फायदा दिख रहा होता है, झुकाव उसी तरफ का हो जाता है। आप जानते होंगे भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए बाहरी मदद पर ही निर्भर है। यही वजह है कि भारत 85% तक अपनी ज़रूरत का तेल इम्पोर्ट ही करता आया है। और अब रूस का तेल सस्ता मिल रहा था तो भारत ने इतना उठा लिया कि वो अपने आप में ही रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि भारत ने सऊदी अरब, अमेरिका, अफ्रीका कहीं से तेल ना लेकर रूस का डिस्काउंट मिल रहा था तो भारत ने वही चुना। और अब ये सब हो ही रहा था तब रशियन करेंसी रूबल अमेरिकी डॉलर को अच्छी खासी टक्कर दे रही थी, जिसमें $1 के मुकाबले रशियन रूबल 75 से 80 चल रहा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तब भारत धड़ाधड़ रूस से प्रीमियम तेल खरीदने में लगा था, और जैसे ही रूस ने भारत को डिस्काउंट देना कम किया तो भारत ने सीधे सीधे तेल लेना ही बंद कर दिया। फिर क्या था, उसके बाद से ही रशियन रूबल का डगमगाना शुरू हो जाता है, जो आज की तारीख में $1 के मुकाबले रशियन रूबल 100 के आसपास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भारत ने मई महीने में रूस से 1.96 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से तेल खरीदा, जो अभी तक का हाईएस्ट है। इसी दौरान भारत और रूस के बीच में अच्छा खासा ट्रेड भी हो रहा था, जिससे रशियन करेंसी रूबल मजबूत खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ये 17 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं रशियन सेंट्रल बैंक ने ये माना है कि भारत से तेल खरीद कम करना एक बड़ा कारण बनकर सामने आया है। साथ ही साथ रशिया पर लगे सैंक्शन भी अपना बड़ा काम करने में लगे हैं। अगर भारत को रूस नाराज ना करता तो शायद रशिया कुछ हद तक इससे बचता नजर आता, पर उसने ऐसा नहीं किया। दरअसल हुआ यह है कि रशिया सऊदी अरब के चक्कर में पड़ गया, जहाँ उसने सऊदी अरब के साथ मिलकर अपना तेल का प्रोडक्शन कट करने का सोचा, और यही लालच रूस को ले डूबा है। दरअसल रूस सोच रहा था कि प्रोडक्शन कट करके वो अपना तेल महंगे दामों में बेच सकेगा, पर यहाँ हुआ उल्टा ही। भारत ने इराक, अफ्रीका, अमेरिका और यूएई से तेल खरीदना शुरू भी कर दिया। उल्टा यहाँ रूस की एक गलती की वजह से भारत यूएई से रुपए में तेल खरीद पा रहा है। यहाँ देखा जाए तो भारत फायदे में आ चुका है और रूस अपने रूबल को 17 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा चुका है। जैसा कि हमने कहा, रूस अपना फायदा देखते हुए सऊदी अरब के पास जाकर बैठ चुका है, तो आप देख ही सकते हैं अब रूस किस हाल में पहुंच चुका है। वहीं भारत नए खरीदारों के साथ अपनी अलग जगह बना चुका है। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारत अब अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुका है, जिसमें वो इस कोशिश में है कि जो भी आने वाले समय में भारत का ट्रेड या व्यापार होने वाला है वो रुपए या लोकल करेंसी में ही किया जाए, और ऐसा करके भारत एक तरह से डॉलर को कहीं ना कहीं कमजोर करता नजर आने वाला है। जिस तरह हाल ही में यूएई से भारत की डेवलपमेंट देखने को मिली है, उसने कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस दोनों को ही एक संदेश तो दे ही दिया होगा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है।